जो दुनिया में जो लुटेरे आए थे उसका भी सम्मान मुगल, और मुगल लूटने आए थे तब भी हमने सम्मान किया और अपनाया, और सबके पूर्वज प्रभु श्री राम ही है। लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक है। असम के एमपी बदरुद्दीन अजमल के द्वारा मुस्लिम संगठन को या मुस्लिम समुदाय के लोगों को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है, तब तक उन्होंने आगाह किया है कि जो जितने भी मुस्लिम संगठन हैं या मुस्लिम समुदाय से जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ट्रेन से अवॉइड करना चाहिए और ट्रेन पर भी नहीं चढ़ना चाहिए। उसको लेके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हम लोग अंग्रेज़ों को भी अपनाए, मुग़लों को भी अपनाए, लेकिन 450 वर्ष बाद राम अयोध्या पहुंच रहे हैं तो हम लोगों को अपनाना चाहिए और सभी लोगों को अपनाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ईडी पर हमला को लेकर क्या कुछ कर रहे हैं सम्राट चौधरी, हम आपको सुना रहे हैं। नहीं निकले, राम मंदिर का उद्घाटन होगा, ट्रेनों का भी इस्तेमाल नहीं करें, इस तरह के बयान आप दे रहे हैं सर। देखिए, हम तो ऐसे सनातन धर्म के लोग हैं जो दुनिया में जो लुटेरे आए थे उसका भी सम्मान, मुगल जो लुटेरे आए थे, मोहम्मद गजनी लूटने आया था हिंदुस्तान, और मुगल लूटने आए थे तब भी हमने सम्मान किया और अपनाया, अंग्रेज आए उसको भी अपनाया। आज 450 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम के भव्य राम मंदिर स्थापित हो रहे हैं। मैं सबका स्वागत करूंगा कि सब पूजा करने आए, और सबके पूर्वज प्रभु श्री राम ही हैं। जो बोल रहे हैं इस तरह का बयान, उनको ये बता देना चाहता हूं कि उनके पूर्वज श्री राम ही हैं। ईडी पर हमला हुआ है, बिहार में भी हो सकता है क्या? तेजस्वी पे जो बताई जा रही है, ईडी पर अटैक की बात हो रही है सर। बिहार में लालू प्रसाद जी भ्रष्टाचार के प्रतीक हैं, गुंडों के प्रतीक हैं, अपराधियों के प्रतीक हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और लालू जी भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं, तो उनके जो भगवान कृष्ण और राम दोनों एक माने जाते हैं, जरूर जाना चाहिए। तो आपने सुना कि सम्राट चौधरी ने कहा है कि 450 वर्ष बाद राम अयोध्या पहुंचे हैं, तो सभी लोगों से हम अपील करते हैं कि उनके पूर्वज हैं, सभी के राम हैं पूर्वज, और सभी को वहाँ पर पहुँचना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ ईडी पर जो हमले की बात हुई है उसको लेके सम्राट चौधरी ने साफ तौर पे कहा है कि जो बिहार में लालू यादव भ्रष्टाचार के द्योतक हैं, कुछ भी हो सकता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश राम के वंशज हैं तो लालू कृष्ण के वंशज हैं, अयोध्या में जाकर उनको भी पूजा पाठ में सम्मिलित होना चाहिए। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।